मेरा नाम बलदेव जी गुप्ता, मैं ग्राम प्रधान आडारा ब्लॉक दुबहान बलिया। 2200 कोटेदार एक है। आप ग्राम सभा में असहाय जनसंख्या कितनी है, डेली कमाने खाने वाले? करीब 7-8% जी। इस महामारी लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में उनकी स्थिति क्या है और आपके द्वारा क्या पहल की गई है? इस कोरोना की स्थिति में सरकार से जो राशन दो बार महीने में एक बार फ्री का मिला है और जॉब कार्ड धारकों को भी फ्री में मिला और लाल कार्ड धारकों को भी फ्री मिला, जिससे थोड़ा उन लोगों को कुछ राहत मिला है। और हमारे तरफ से जो मदद थी, जो एक मानवता के हिसाब से हम लोग किए हैं। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके द्वारा क्या क्या पहल की गई है अभी तक। अनुसार ग्राम प्रधान घर घर घूमकर महामारी के विषय में समझाएंगे, लॉकडाउन क्या है उसके विषय में समझाएंगे, साफ सफाई सफाई कर्मचारी किया गया है जी, सैनिटाइजर मास्क सब जी सब वितरण किया गया है जी। हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपके ग्राम सभा में अभी तक मानसिक संतुलन से व्यक्ति क्या स्थिति है? मानसिक स्थिति तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं है ये हम आपसे ये जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, पहचान कार्ड नहीं होंगे, कितनी जनसंख्या होगी? हमारे ग्राम सभा के अंदर 97% राशन कार्ड सभी को उपलब्ध था। 3% कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे ऐसे घूमते थे, राशन कार्ड बनाने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन जब पहला लॉकडाउन लगा उसके बाद तुरंत हमने उन लोगों का भी टोटल 100% ओके करवा दिया है, कोई वंचित नहीं है जी। हम आपसे जानना चाहते हैं इस महामारी में कितनी दिक्कत की सामना करनी पड़ती है? थोड़ा सा दिक्कत हुआ लेकिन कोई परेशानी नहीं हुआ, सब एकदम ऐसा रोग है कि सब लोग चाहते थे कि लॉकडाउन हो जी। हम आपसे जानना चाहते हैं आप ग्राम सभा में बाहर से कितने लोग आए हैं? बाहर से अभी तक 36-37 लोग आ चुके हैं जी। जाति पता एकदम वो सब लोग ओके हैं जी। प्रधान जी, हम आपसे सच्चाई जानना चाहते थे आपकी ग्राम सभा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शिकायत किया था प्रधान जी द्वारा कोई पहल नहीं की गई, ऐसी कोई बात नहीं, और शायद संदेह के आधार पर ये देखा जा रहा है आम पब्लिक है या पंचायत चुनाव को लेकर है क्या है, ये सच्चाई कहो आपसे मांग की होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे तरफ से जितना मैंने बहुत जितना कोशिश करना था सबसे ज़्यादा हम कोशिश किए हैं हर एक तरफ से जी। देखिए आप मानते हैं चीज़ को, इस महामारी में पंचायत चुनाव का समय आ गया है, इस पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं एकदम, तो संभव है, तो होता ही है। कितना भी हम अच्छा करेंगे जब चुनाव करीब आएगा तो हमको बाउर कहेंगे ही जी। आप तेरा छोटे कौन किसके नाम से कोटा है? आनंद कुमार गुप्ता। कौन है ये? ये हमारे बगल में उनका मकान है जी। राशन नियम अनुसार वितरण एकदम से वितरण होता है। एक किलो कितना वितरण किया जाता है? एक किलो 5 kg जिसमें 3 kg गेहूँ है, 2 kg चावल है। किस रेट से लिया जाता है? 2 रुपये और 3 रुपये जी। मिट्टी तेल भी वितरण किया गया है इस महीने में वितरण होगा शायद, बीच में कुछ महीना वितरण वाला प्रक्रिया था शायद, तेल नहीं आया था क्या जी? तो क्या रेट में वितरण होता है मिट्टी तेल? और पहले तो जो कुछ महीना हो गया इसलिए हम नहीं बता पाएंगे जी। अभी स्थिति क्या है? ठीक है, एकदम सामान्य है। ध्यान दे ले? नहीं, कोई ध्यान नहीं। बहुत सारे ग्राम पंजीयन सुनने में आया, ग्राम प्रधान से आ गया, तमाम नहीं कार्रवाई भी हुई, लंबित भी हुई? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी, एकदम सब सही था। सरकार का निर्देश था किसी भी ग्राम पंचायत में, चाहे नगर पालिका हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी भूखमरीज न मरे जी। ग्राम प्रधान सक्षम नहीं है तो अपने उच्च अधिकारी जी संपर्क कर सकता है जी। जैसे अभी हाल ही में देखने को मिला अभी बलिया में भूखमरीज एक व्यक्ति दम तोड़ दिया बाहर से आकर जी, इसमें सरकार सक्रिय हो गई। इस तरह किसी भी ग्राम सभा में करना घटती है तो ये प्रधान के साथ साथ सचिव को लेकर टीम पर भी कार्रवाई जी जी जी। कहा है कोई नौबत जी? हमारे यहाँ कोई नौबत नहीं, सब ठीक है। क्या महामारी में संदेश देंगे हुँ? इस महामारी में कुछ संदेश देना चाहते हैं? इस महामारी में सब लोग अपना जो सरकार का नियम है उसको पालन करें और
अपना काम करें। जी अभी राशन वितरण हो रही है अभी जी, कहाँ हो रही है? यही तो हो रहा है जी। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।